हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। ये फॉर्म का एट्रीब्यूट है, फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट है, मेथड एट्रीब्यूट। इसमें दो वैल्यूज होते हैं, गेट और पोस्ट। सबसे पहले जानते हैं कि मेथड एट्रीब्यूट करता क्या है। इट स्पेसिफाइज हाउ टू सेंड द फॉर्म डेटा टू अ वेब सर्वर। ठीक है, कहाँ भेजना है ये तो एक्शन डिफाइन करता है, लेकिन कैसे भेजना है वह मेथड डिफाइन करता है, मेथड एट्रीब्यूट। ठीक है, सो इट स्पेसिफाइज हाउ टू सेंड द फॉर्म डेटा टू अ वेब सर्वर। द डेटा कैन बी सेंड एज URL वेरिएबल्स बाई यूजिंग द गेट मेथड और एज HTTP पोस्ट बाई यूजिंग द पोस्ट मेथड। यानी कि मेथड इक्वल आप गेट लिख सकते हैं, फिर मेथड इक्वल आप पोस्ट लिख सकते हैं। दो वैल्यूज आपको दी गई हैं मेथड एट्रीब्यूट के लिए। और भी वैल्यूज हैं जैसे कि पुट और डिलीट, लेकिन HTML5 में आई थिंक ये सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो गेट और पोस्ट से हमारा सारा काम लगभग हो जाता है। तो गेट क्या होता है और पोस्ट क्या होता है, कब हमें गेट यूज़ करना है, कब हमें पोस्ट यूज़ करना है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ओके, सो गेट गेट क्या है? गेट सेंड्स द डेटा एज पार्ट ऑफ द URL। यानी कि जो भी डेटा होता है वो URL का पार्ट होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, फिर हम पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट में ही इसका ये क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन। ठीक है, पहला जो हमारा है, अपेंड्स फॉर्म डेटा इन टू द URL इन नेम वैल्यू पेयर। समझ में आया? यहाँ जो डेफिनेशन लिखा गया, गेट सेंड्स द डेटा एज पार्ट ऑफ द URL, उसी का ये एक अलग शब्दों में ये लिखा गया कि अपेंड्स फॉर्म डेटा इन टू द URL इन नेम ऑफ नेम वैल्यू पेयर। मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आगे के लाइन्स देख लेते हैं गेट का। द लेंथ ऑफ अ URL इज लिमिटेड 2048 करेक्टर्स। इससे ज़्यादा करेक्टर आप नहीं सेंड कर सकते, मतलब URL का जो URL का लिमिट है ये 2048 करेक्टर्स। ओके, नेवर यूज गेट मेथड इफ़ यू हैव पासवर्ड और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू बी सेंड टू द सर्वर। अगर आप के फॉर्म में पासवर्ड या फिर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आपको गेट नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये URL का एक पार्ट होता है। ये आपको आपका जो डेटा है वो URL का एक पार्ट होता है। ये URL में शो करने लगता है कि क्या आप सेंड कर रहे हैं, जो कि अगर पासवर्ड होगा तो काफ़ी लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोग गेट का यूज़ नहीं करते। ठीक है, द यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशन वेयर ए यूज़र वांट टू बुकमार्क द रिजल्ट। गेट इज़ बेटर फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग इन गूगल। गेट कांट बी यूज टू सेंड बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा मीन्स होता है जैसे कि इमेज या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म में अगर आप अपलोड करवाते हैं, यूजर से अगर सिग्नेचर स्कैन करके उसका इनपुट ले रहे हैं या फिर उसका फोटोग्राफ आप पासपोर्ट साइज ले रहे हैं, तो उसके लिए गेट नहीं है, उसके लिए आप गेट यूज़ नहीं कर सकते, वो डेटा सेंड नहीं किया जाएगा गेट का अगर आप यूज़ करते हैं तो। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी डेटा। गेट को इस तरीके से लिखा जाता है, फॉर्म एक्शन इक्वल आपका जो भी स्क्रिप्ट होगा वह उसका मेथड इक्वल GET गेट कैपिटल लेटर में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है, गेट सेंड्स द डेटा एज पार्ट ऑफ द URL और कह सकते हैं कि अपेंड्स फॉर्म डेटा इन टू द URL इन नेम एंड वैल्यू पेयर्स। इसका मतलब क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें थ्योरी है। ठीक है, यानी कि बस इतना जान लीजिए कि इसमें गेट फंक्शन का गेट मेथड का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप इमेज और वर्ड डॉक्यूमेंट में काम नहीं कर सकते हैं, ये सिक्योर नहीं है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसका लिमिटेड कैरेक्टर है 2048 कैरेक्टर्स। ओके, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, फिर मैं पोस्ट के बारे में आपको बताऊँगा। गेट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, यानी कि अगर आपने यह मेथड में मेथड एट्रीब्यूट लिखा हुआ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, गेट है, मेथड इक्वल गेट है। ठीक है, सो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, मेथड लिखते हैं मेथड इक्वल गेट। ओके, ये लिखा मैंने, इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको मैंने सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूँ। जब आप इसको रन करते हैं और आप यहाँ अपना नेम लिखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ नाम लिख रहे हैं राहुल। ओके, और यहाँ पासवर्ड लिखते हैं, पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ गिकी सोस। आई डोंट नो मैंने स्पेलिंग सही लिखा है गलत, जो भी हो गिकी सोस की तरह ही कुछ है। अब जब आप इसमें सबमिट में क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे कि URL में नेम दिखाई दे रहा है और पासवर्ड भी यहाँ गिकी सोस दिखाई दे रहा है। ये URL का पार्ट बन गया, ये डेटा जो भी डेटा था फॉर्म का डेटा, वो URL में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है।
सो ये सेंसिटिव डेटा है। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड एक ऐसा चीज़ है जो दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन को जिससे वो बिलोंग करता है उसी को पता चलना चाहिए, लेकिन यहाँ सभी को यहाँ ये पता चल पा रहा है। ओके, इसीलिए गेट का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन में। इसको कट करते हैं और फिर से आते हैं थ्योरी में। गेट का हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, कुछ भी नहीं, बस मेथड इक्वल टू हमने गेट लिखा हुआ था। अब हम लोग पोस्ट की बात करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप मेथड में कोई भी ऐसा वर्ड लिखते हैं, जैसे कि गेट और पोस्ट के अलावा ऐसा कोई इनवैलिड वर्ड लिखते हैं जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वह गेट माना जाएगा। ठीक है, ब्राउज़र उसको गेट ट्रीट करेगा कि मेथड इक्वल आपने गेट लिखा हुआ है। अब पोस्ट की बात करते हैं। HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट सप्लाई एडिशनल डेटा फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर इन द मैसेज बॉडी। ये मैसेज बॉडी में सप्लाई करता है, फिर सेंड करता है डेटा को। इसमें क्या होता है, अपेंड्स फॉर्म डेटा इन साइड द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट। डेटा इज नॉट शोन इज इन URL, मतलब डेटा URL में शो नहीं करता अगर आप पोस्ट का यूज़ करते हैं तो। द पोस्ट मेथड डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन डेटा साइज टू बी सेंड। अब जो डेटा सेंड कर रहे हैं उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। गेट में क्या था कि 2048 कैरेक्टर्स ही आप सेंड कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, देखिए लिमिटेशंस की जो हम लोग साइज की बात करते हैं उसमें हम लोग कैरेक्टर की बात कर रहे थे, इसमें हम लोग साइज की बात करते हैं, तो वो ब्राउज़र अलग अलग ट्रीट करता है। किसी किसी में साइज पे वो डिफाइन होता है, किसी किसी में कैरेक्टर पे डिफाइन होता है। यानी कि अभी साइज़ की जैसे हम लोग बात करते हैं 100 KB, 50 KB, 10 KB, ये साइज हो गया। कैरेक्टर हम लोग कहें तो 50 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, ये ब्राउज़र डिसाइड करता है कि वो उसको, ये जो पोस्ट और गेट का जो मेथड हम लोग यूज़ करें उसमें जो लिमिटेशंस हैं उसको वो करेक्टर से डिफाइन करता है, कैलकुलेट करता है, या फिर साइज से कैलकुलेट करता है, ये ब्राउज़र डिसाइड करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जानिए कि गेट में लिमिटेशन है और पोस्ट में लिमिटेशन नहीं है साइज सेंड करने का, डेटा साइज सेंड करने का। नेक्स्ट, फॉर्म सबमिशन विथ पोस्ट कैन नॉट बी बुकमार्क्ड नहीं हो सकता है। द पोस्ट मेथड कैन बी यूज्ड टू सेंड ASCII एज वेल एज बाइनरी डेटा। ASCII और बाइनरी डेटा भी इसमें आप सेव कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यूज़र से इनपुट लेते हैं कोई भी इमेज, यानी जैसे कि सिग्नेचर ले रहे हैं, फिर उसका पासपोर्ट साइज फोटो ले रहे हैं, तो आप पोस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं PDF में या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आप उसमें उसके लिए पोस्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन आप गेट का यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट, द डेटा सेंट बाय पोस्ट मेथड गोज़ थ्रू HTTP हेडर, सो सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन HTTP प्रोटोकॉल। बाई यूजिंग सिक्योर HTTP यू कैन मेक श्योर दैट योर इंफॉर्मेशन इज सिक्योर। शॉर्ट इन शॉर्ट कि ये गेट से ज़्यादा सिक्योर है। पोस्ट इज अ लिटिल बिट सेफर देन गेट बिकॉज द पैरामीटर्स आर नॉट स्टोर्ड इन ब्राउजर हिस्ट्री और इन वेब सर्वर लॉग्स। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, फॉर्म एक्शन सम PHP जो भी आपका स्क्रिप्ट होगा, मेथड और पोस्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसको पोस्ट कर देंगे। इसको सेव किया मैंने, इसको मैं रन करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे राहुल और यहाँ मैं लिख रहा हूँ गिक्की सोस। इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको जो गेट में दिखाई दे रहा था वो यहाँ कि नेम इक्वल जो भी मैंने राहुल लिखा हुआ था एंड पासवर्ड मैंने लिखा हुआ था गिक्की सो, यहाँ दिखाई दे रहा था URL में। बट पोस्ट मेथड का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। URL का पार्ट वो डेटा नहीं होता, वो सिक्योर है, इसीलिए पोस्ट का ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ओके, देन पोस्ट का यूज़ आप इस तरीके से मेथड इक्वल पोस्ट लिखेंगे तब पे ये पोस्ट बन जाएगा, मेथड पोस्ट आप यूज़ कर रहे हैं। यही है गेट और पोस्ट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। वैसे तो आप समझ चुके हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, बट एज अ टॉपिक हम लोग देख लेते हैं बिकॉज बहुत सारे जो विजिटर हैं इसको पूछते हैं कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, तो उसका हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेते हैं, सेपरेट वीडियो बना लेते हैं, जिससे कि उनको सर्च करें ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।